बातें यहाँ पर देख सकते हैं। जब आग जलाई जाती है गांव में तो छिलके की सहायता ली जाती है, बहुत ही शानदार। बिल्कुल इसके सामने माचिस गैस सब फेल है, ये देखिए आप इस तरह से इसको जलाया। अब चीड़ की लकड़ियां इसमें लगा दी, तो ऐसे ये आग जलाने की परंपरा वर्तमान समय में भी जारी है। और ये चूल्हा आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास जलता हुआ। अब इसमें आगे कार्रवाई बढ़िया की जाएगी, भोजन बनाया जाएगा। ये देखिए आप इस तरह से ग्रीस है, हमारे लकड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं। ये लकड़ियां हमारी देखिए आप, शानदार लकड़ियां, ये यही जलाई जाती है, चीड़ की लकड़ियां हैं। गिरी गुरु क्या बन रहा है? ये अचार बन रहा सर। काहे का? ये आम का है, आज इस बार हम कच्चे आम लाए हैं सर। और बहुत बढ़िया होगा ना इसका अचार? हाँ, इसका तो अलग ही टेस्ट हुआ। तो इसमें और क्या क्या डलेगा? मिर्ची भी डलेगी इसमें? सर इसमें मिर्च भी पड़ेगी, आनंद आ जाएगा फिर। बहुत ही बढ़िया, ये नवल तिवारी जी हमारे स्पेशल कुक है, बढ़िया तैयार करेंगे इसको आज। तो पहले नवल लगे और चटनी मोड़ था इसमें, ठीक हो पहले चटनी तैयार हो जाएगी, उसके बाद जो है। तो गिरिगुरु इसमें और क्या क्या डलता है इसमें? इसमें सर यही भाई, गुड़ डलेगा इसमें? हाँ गुड़ पड़ेगा, मसाले पड़ेंगे। अच्छा कच्चा आम है? कच्चा ये यही गांव का ही है? गांव का ही है। बहुत बड़े हो गए, बिल्कुल फल अभी तोड़ के लाए हैं। अरे वाह, इसका स्वाद ही अलग हुआ। फिर ताजी चटनी होगी? बिल्कुल ताजी। यूं तो पहाड़ का खान पान सबसे अलग ही होता है, लेकिन जो पहाड़ के गांव में, कुमाऊं के गांव में विशेष रूप से जो चटनी बनाई जाती है वो आप देखिए, इसमें लाल मिर्ची डाली जाती है, कच्चे आम का ये अचार बनाया जाता है, इसमें मसाले डाले जाते हैं। ये देखिए आप, बहुत सावधानी रखनी होती है इसको बनाने में। इस तरह का तड़का इसमें पड़ता है, इसके ऊपर डल गया पानी, और आप देखिए आम अब भूजे जा रहे हैं, मिर्च के साथ ये आम भूजा जा रहा है। आप देखिए इसमें हल्का सा पानी मिलाया जाता है, और साथ में इसमें आप देखिएगा ये डिश होती है, इसमें गुड़ का बहुत इम्पोर्टेंस है। आप ये देखिए अब गुड़ आ गया, ये जो कच्चे आम की चटनी है अब इसमें डलेगा गुड़। ये आप देखिए इस तरह से इसमें गुड़ डाल दिया जाता है, और इसको फिर पकाया जाता है चूल्हे की आंच में। आप देखिए गुड़ इसमें डाल दिया गया, अब इसमें हमारे गांव के जो नवल तिवारी जी हैं वो बना रहे हैं चटनी। आप देखिए गुड़ इसमें, अब गुड़ डालने के बाद इसमें फिर हल्का पानी, और जो बचा हुआ अमचूर, इसको नहीं कहेंगे कच्चा आम है ये, तोड़ के आया है अभी भी, और आप देखिए इस तरह से इसको चलाया जाता है। बहुत ही टेस्टी ये पकवान जो होता है, ये हर काम काज में बनाया जाता है, जब आम कच्चे अवेलेबल होते हैं तभी ये बन सकता है। आप देखिए इस तरह से नमक नवल तिवारी जी उसमें डालते हुए, ये नमक का टेस्ट इसमें आएगा। आप देखिए इसमें ये पक रहा है, और इसमें आप नमक डाल दिया गया है, और बहुत ही खूबसूरत क्या टेस्ट है इसका। आप देखिए बनने को तैयार है, बस क्यों आप पकेगा, और ये बन गया। ये देखिए आप, ये चटनी जो खाएंगे ना आप, जो है ना दांतों तले अंगुली दबा देंगे, ऐसा टेस्ट है इसका।